Assalamu alaikum students and welcome to another lecture of MCQs on multiple choice questions on C language. So today aaj hum discuss karenge aage ke new jo humne MCQ sorted out kiye hain set 1 mein se to wo hum usko further aage leke chalenge. Now starting with this video main सबसे कहना चाहता हूँ कि काइंडली प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस सो लाइक इट एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू सो मच. सो स्टार्टिंग विद दिस चैनल नाउ लेक्चर. वी हैव कंप्लीटेड 35 एमसीक्यूज. ठीक है, हमने 35 एमसीक्यूज पूरे कर लिए थे. आज हम 15 मोर एमसीक्यूज करेंगे और उन 15 मोर एमसीक्यूज के आंसर्स को हम लोग दिखने के कहा. तो ये हमारा सेट वन यहाँ आज कंप्लीट हो जाएगा. सो आज हम डिस्कस करते हैं पहला हमारा जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज डैश सिंबल इज यूज्ड फॉर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर. अच्छा, लॉजिकल नॉट ये जो है हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये लॉजिकल एंड है और बी जो है वो लॉजिकल और है. तो थर्ड आंसर इज इस करेक्ट विच इज लॉजिकल नॉट. तो नन तो हो नहीं सकता कोई भी इसमें से, तो नन जो है वो हम लोग इसमें सिलेक्ट नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 37 एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर ये क्या कहलाते हैं, ये कौन से ऑपरेटर्स हैं, इनको अगर हम कंबाइन करें तो क्या करते हैं. रिलेशन ऑपरेटर्स ऑब्वियसली नहीं है, अर्थमेटिक नहीं है, नन हो नहीं सकते. तो हमारे पास जो ऑप्शन है हमारे पास है, वो है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर. कि ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं, ये जो हमारे सारे ऑपरेटर्स हैं वो हमारे क्या हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 38 नाउ इफ डैश रिटर्न्स ट्रू, डैश रिटर्न्स ट्रू, अगर वैल्यू रिटर्न क्या करेगी, ट्रू करेगी. अगर एक्स की वैल्यू जो है वो टू है एंड वाई की वैल्यू जो है थ्री है. तो अब हमारे पास चार डिफरेंट इक्वेशंस हैं. तो चार डिफरेंट इक्वेशंस को हम देखते हैं कि हमारे पास एक्स इज ग्रेटर देन वाई है नॉट के साथ, ये एक ऑप्शन है. एक्स इज ग्रेटर देन वाई और वाई इज ग्रेटर देन टू, ये यानी कि अब और में यह देखें ये एक्स इज ग्रेटर देन 3. इसको सॉल्व करते रहते हैं साथ साथ. तो x जो है वो ग्रेटर देन 2 तो इस साथ में है नॉट, तो ये हमारे पास ये भी रिटर्न करेगा ट्रू ऑप्शन. b देखते हैं, x इज ग्रेटर देन y, ये तो फॉल्स है, ये रिटर्न फॉल्स करेगा जो कि नहीं है. क्या y इज ग्रेटर देन 2 है, यस ट्रू करेगा. अब फॉल्स और ट्रू के दरमियान अगर और कंडीशन लगी होगी तो आंसर जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा. ठीक हो गया, दो आंसर्स हमारे ट्रू होते हैं. एक्स जो है वो लेस देन वाई है, एक्स जो है वो लेस देन वाई है, ये ट्रू देगा. और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू है तो ये भी ट्रू देगा ऑब्वियसली, क्योंकि इक्वल्स टू टू तो है और ये दोनों में एंड ऑपरेटर लगा है तो दोनों के एंड ऑपरेटर के बाद ऑप्शन क्या आएगा, ट्रू. तो अब जो हमें समझ में आ रहा है कि तीनों ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए बी और सी जो ऑप्शंस हमें दे रहे हैं वो ट्रू ऑप्शंस दे रहे हैं. तो ऑल ऑफ दीज जो है ये हमारा करेक्ट आंसर. ठीक है, इज इट क्लियर. क्वेश्चन नंबर 39 डैश ऑपरेटर इज यूज्ड टू जॉइन टू कंडीशंस. कौन से ऑपरेटर्स हैं जो कि यूज किया जाता है जिनको टू कंडीशंस को, तो रिलेशन ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, लॉजिकल. अच्छा, असाइनमेंट हो नहीं सकता, अर्थमेटिक हो नहीं सकता क्योंकि ये सिंगल सिंगल एक्सप्रेशन होते हैं. रिलेशनल में क्या होता है कि दे सिर्फ जो है ये अपने काम जो करता है ये दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहा होता है. तो वैल्यूज को कंपेयर नहीं करना, हमें कंडीशन को देखना है. तो कंडीशन कौन सी चीजें ज्वाइन करती है, वो है सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर. क्वेश्चन नंबर 40 द ट्रू वैल्यू रिटर्न,
ठीक है, जो ट्रू वैल्यू रिटर्न है बाय रिलेशनल, बाय रिलेशनल एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब ट्रू वैल्यू जो है हमेशा क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करता है हमेशा वन, क्योंकि बाइनरी के अंदर जब हम बात करते हैं या तो वो वन जीरो वन करेगा या वो जीरो करेगा, तो जीरो जो है वो फॉल्स कंडीशन में करता है, ठीक है, ये फॉल्स कंडीशन में करता है और ये ट्रू कंडीशन में करता है। तो सवाल हमारा ये है कि ट्रू वैल्यू कब होगी और कौन सी वैल्यूज के साथ रिप्रेजेंट होगा, तो वो वन के साथ रिप्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 सेज डैश डैश इज नॉट अ रिलेशन ऑपरेटर, ये रिलेशन ऑपरेटर इनमें से कौन से नहीं है, तो ये नॉट इक्वल्स टू है, ये रिलेशन ऑपरेटर है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ये भी ऑप्शन, क्योंकि ये भी रिलेशन ऑपरेटर है, ये भी रिलेशन ऑपरेटर है, तो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि रिलेशन ऑपरेटर नहीं है। तो सवाल को गौर से समझें कि क्या पूछा जा रहा है, तो आप मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डैश इज रिलेशन ऑपरेटर, नॉट को मिस कर दिया, तो नॉट को जब मिस करेंगे तो फिर वो तीनों तो करेक्ट होंगे, मगर नॉट को जब आप चेक करेंगे तो सिर्फ उसमें एक करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि डैश इज इक्विवेलेंट टू नॉट ऑफ पी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्यू, कौन सी चीज है जो कि ये चीजें इसके इक्विवेलेंट आती है, कौन सी एक्सप्रेशन है अगर हम इसके ब्रैकेट को रिमूव कर दें तो क्या चीज जो है क्या कहते हैं बनेगी, तो p इज इक्वल टू q नहीं बन सकता क्योंकि ग्रेटर वाली बात हो गई, p जो है वो ग्रेटर है, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, p इज लेस देन q, ठीक है, लेस देन q नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल टू की भी बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 42 में हम देखते हैं p इज लेस देन q जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि p जो है वो लेस देन q की बात हो रही है, बाकी ग्रेटर देन नहीं हो सकता, नॉट की बात हो रही है ना, क्योंकि जब ये नॉट लग गया तो नॉट जो है वो इसको क्या करेगा, लेस बना देगा, ठीक है, और नॉट जब इसके साथ सॉल्व हो जाएगा तो नॉट हट जाएगा, तो या तो ये सही होगा b या d, तो b जो है वो इसलिए सही होगा क्योंकि नॉट हट जाएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, तो उसमें नॉट नहीं लगेगा, तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो b इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 डैश रिटर्न फॉल्स, तो इफ x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 10, अगर x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 10 है, तो इनमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो कि हमें फॉल्स बताएगी, ये बताना है हमने, तो कौन सी वैल्यू, तो अब ये देखते हैं एक एक करके देख लेते हैं, क्या x की वैल्यू लेस देन 5 है, x की वैल्यू लेस देन y है, लेस देन y, तो ये हमें 2 देगी, हमें तो फॉल्स दिखना है, ठीक है, b क्या देगा, क्या x लेस देन इक्वल्स टू y है, ये भी हमें ट्रू देगा क्योंकि लेस देन हो रही है, क्या x ग्रेटर देन y है, ये हमें फॉल्स देगा क्योंकि ये ग्रेटर देन y तो है ही नहीं, क्या x नॉट इक्वल्स टू y है, क्या x जो है y के इक्वल नहीं है, यस y के इक्वल नहीं है, तो ये ट्रू देंगे, तो अब फॉल्स क्या रिटर्न कर रहा है, c, c इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 डैश वैलिड डैश इज द वैलिड असाइनमेंट स्टेटमेंट, अब इनमें से असाइनमेंट स्टेटमेंट कौन सी वैलिड है, देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली स्टेटमेंट भी वैलिड है क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू असाइन हो रही है एक्स को, ठीक है, और फिर ये वाली वैल्यू एक्स यहाँ पर भी वैलिड है क्योंकि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई थ्री, सेम एज इट इज एक्स इक्वल्स टू वाई, ये भी वैलिड है क्योंकि ये हो सकती है, तो अब ऑल एक्सप्रेशंस आर करेक्ट, सो हियर द आंसर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 45 डैश इज वैलिड स्टेटमेंट टू ऐड वन टू वेरिएबल एक्स, ठीक है, अब ये वेरिएबल एक्स के अंदर मुझे
वन ऐड करना है, तो इनमें से कौन सी वैल्यू से हम ऐड, कौन सा एक्सप्रेशन है वो जो कि ऐड हो सकता है। तो एक्स प्लस प्लस का मतलब भी एक्स में वन ऐड करना है, ये भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये भी सही है। एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये भी ठीक है। एक्स प्लस इक्वल टू वन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो द आंसर इज, करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है, सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, द इंट डेटा टाइप वेरिएबल हैज अ रेंज ऑफ, सो एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द बुक कि हमें पता है कि इसकी माइनस 32,768 से लेके प्लस 32,767 तक एक रेंज है, तो ये ऑलरेडी मैंडेटरी, ये तो नॉलेजेबल बात होनी चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है सर। क्वेश्चन नंबर 47, डैश इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, बहुत सिंपल सा है, सारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं, तो ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 48, द वर्ड द नेम यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स टाइप्स फंक्शंस एटसेट्रा आर कॉल्ड व्हाट, यानी कि जो नाम यूज किए जाते हैं, ठीक है, किसके लिए, वेरिएबल्स के लिए, कॉन्स्टेंट्स के लिए या टाइप फंक्शन के लिए, वो क्या कहलाते हैं सी लैंग्वेज में? वर्ड्स नहीं कहलाते, करेक्टर्स नहीं होते वो, दे आर द आइडेंटिफायर्स, ठीक है, हम उनको क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, तो वैलिड वेरिएबल नेम कौन सा है, ये हम पहले वाले वीडियोस में भी कर चुके हैं, उन वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ कि वैलिड वेरिएबल किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। आप ये देखें, स्पेशल करेक्टर्स नहीं यूज कर सकते, तो ये इनकरेक्ट है। आप ये भी करेक्ट, स्पेशल करेक्टर है ये यूज नहीं कर सकते। आप अर्थमेटिक ऑपरेटर भी यूज नहीं कर सकते। यस यू कैन यूज अंडर स्कोर साइन, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं आप अपने वेरिएबल नेम को डिफाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, डैश इज नॉट एन अर्थमेटिक ऑपरेटर, इनमें से कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है? तो प्लस तो है, डिवाइड भी है, मॉड भी है, अब ये क्या चीज़ है? अब आप लोग कहेंगे कि ये तो मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई का जो साइन है वो ऐसे होता है, ठीक है, तो ये दिस इज एक्स, तो दिस इज नॉट अ अर्थमेटिक ऑपरेटर। सो गाइस एंड स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक 50 एमसीक्यूज कर लिए हैं सी लैंग्वेज से, एमसीक्यूज की जो हमारी सीरीज चल रही है। सो यहाँ पर हम अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मज़ीद एमसीक्यूज लेकर मिलते हैं, उसको हम रीड आउट करेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड शेयर इट विद योर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।